राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो जोधपुर में 20 से 22 मार्च तक होगा आयोजित। राजस्थान के जोधपुर में 20 से 22 मार्च तक राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो आयोजित होने जा रहा है। एक्सपो को लेकर उद्योग मंत्री शकुंतला रावत और राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के चेयरमैन राजीव अरोड़ा ने लोगो और ब्रोशर लॉन्च किया। इस एक्सपो में भाग लेने के लिए 28 देशों के 20,000 से अधिक विदेशी बायर्स को निमंत्रण भेजा है। अगले 20 से 22 मार्च तक जोधपुर के बुरानाड़ा स्थित EPCH का जो क्रिक फैसिलिटेशन सेंटर है उसके अंदर एक अंतर्राष्ट्रीय एक्सपो लगेगा, जिसमें राजस्थान से उत्पादित होने वाले ऐसे सारे प्रोडक्ट जो कि निर्यात करे जाते हैं उनकी वो प्रदर्शनी होगी, जिसमें देश के और विदेश के सभी प्रमुख व्यापारियों को, बायर्स को, दूतावासों को, ट्रेड कमीशन्स को हमने बुलाया है। कुछ दिनों पूर्व मैं उस जगह का दौरा करके आया, जगह को हमने फाइनल कर दिया है। जगह की स्टॉल्स की बुकिंग अभी 1 तारीख से शुरू हो गई है। वहाँ पे जो स्टॉल्स लगेंगी उसमें 6,000 रुपये स्क्वायर मीटर की दर से जो जगह बिना तैयार करी हुई जगह जो लोग लेना चाहेंगे उनको 6,000 रुपये स्क्वायर मीटर की दर से दिया जाएगा, और 7,500 रुपये स्क्वायर मीटर की दर से जो बने बनाए स्टॉल्स होंगे वो उपलब्ध कराए जाएंगे। उसमें खास बात यह है कि जितने भी REPC राजस्थान एक्सपो प्रमोशन काउंसिल के सदस्य होंगे उनको उसके अंदर विशेष छूट दी जाएगी। वहीं प्रदेश की उद्योग मंत्री शकुंतला रावत ने कहा कि इंटरनेशनल एक्सपो राजस्थान में निर्यात के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगा। इस एक्सपो में हस्तशिल्प से लेकर वुडन एवं आयरन, फर्नीचर, सेरेमिक और अन्य उत्पादों को व्यापक स्तर पर प्रदर्शित किया जाएगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की भी सोच यही है कि हमारा राजस्थान किस तरह से पूरे देश में एक नंबर पे हमारा राज्य रहे और किस तरह से हमारे जो राजस्थान की जो कहना चाहिए कि मेड इन राजस्थान, तो हमारे राजस्थान की जो हाथ से बनाई जाने वाली कला है यहाँ की, और यहाँ का एक प्राचीन काल से चला आ रहा जो एक उद्योग है हमारा यहाँ का राजस्थान का, चाहे अपना जो राजस्थानी जो कल्चर जिस चीज़ में दिखाई देता है, चाहे यहाँ का ब्लू पोटरी हो, चाहे हमारे यहाँ के वस्त्र हो जिनमें कि राजस्थान की पहचान दिखाई देती है यहाँ का, चाहे स्टोन है, तो ये सारी चीज़ें राजस्थान की झलक उन चीज़ों पे आपको दिखाई देगी हर चीज़ में। तो ये जो हमारा 20 से 22 मार्च तक 2023 ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर EPCH बोरानाड़ा में जो हमारा एक्सपो होने जा रहा है, उसका मतलब भी यही है कि राजीव जी के जरिए और धीरज श्रीवास्तव जी के जरिए राजस्थान फाउंडेशन हमारा जो एक पूरे वर्ल्ड में किस तरह से राजस्थान की एक पहचान बनाए हुए है, हमारे राजस्थानी जो कल्चर है, जो हमारा यहाँ का हाथ से बनाई हुई वस्तु हैं, वस्त्र हैं, चाहे कोई भी चीज़ है, उसको विदेशों तक पहुँचाने का जो काम कर रहा है राजस्थान फाउंडेशन उनके जरिए, तो विदेशों से बहुत लोगों की जब हमारे तरफ से भी पत्र लिखे गए तो कईयों ने इच्छा भी जाहिर की और इसमें आएंगे, और हमारे राजस्थान का जो चाहे फर्नीचर हो, टेक्सटाइल्स हो, वस्त्रों में हो, गारमेंट में हो, एग्रो फूड में हो, ज्वेलरी में है, मार्बल है, ग्रेनाइट है, जो हमारे राजस्थान का प्रसिद्ध एक उद्योग है, इतना भयानक कोरोना काल के बाद में जो उसमें एक कहना चाहिए रुकावट सी स्थिरता आ गई थी, उसको कितनी तेज गति से राजीव जी ने चेयरमैन बनने के बाद में और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की सोच को, विजन को आगे बढ़ाने का जो काम किया है, राजस्थान सरकार की तरफ से जो सुविधाएं दी जाती हैं, चाहे MSME में हो, रिप्स में हो, मुख्यमंत्री लघु प्रोत्साहन योजना में हो, चाहे खादी के लिए अलग से लूम देना हो, अंबर चरखा हो, टैब हो, तो ये चीज़ें सब एक उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए, उनको बढ़ावा देने के लिए सरकार की तरफ से जो ये नए आयाम स्थापित किए जा रहे हैं, एक्सपो के जरिए हमारे राजस्थान का एक प्रसिद्धि जो होती है, जो उद्योग है यहाँ के, उनको भी बढ़ावा मिलेगा। बहरहाल राजस्थान के जोधपुर में पहली बार इस तरह का इंटरनेशनल एक्सपो होने जा रहा है।
इससे प्रदेश के उन कारीगरों को प्रोत्साहन मिलेगा जिन्हें गांव-गांव में काम करके अपने उत्पादों को बेचने के लिए दिल्ली मुंबई समेत अन्य महानगरों में जाना पड़ता था। खास खबर.com के लिए कैमरामैन सुरेश तानिया के साथ सत्येंद्र शुक्ला, जयपुर।